नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा है थैंक यू सो मच। तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे जो YouTube चैनल है उसमें जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे 2000 हो गए हैं, और ये सब आप सभी बच्चों के कारण है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत सारा आभारी हूं। मैंने 5 अप्रैल को अपना पहला वीडियो डाला था और आज 23 जून हो चुकी है, तो इतने कम समय के अंदर आप लोगों ने मुझ पर अपना जो विश्वास दिखाया, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ठीक, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम संवैधानिक संस्थाओं के अंदर 8 लेक्चर पढ़ चुके थे, लेकिन एक लेक्चर बच गया था। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताया कि सर, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर आपने एक विषय बताया था अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, वो रह गया। तो वही लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। इसको हम प्री और मेंस दोनों के नजरिए से पढ़ेंगे क्योंकि अंतरराज्यीय परिषद बेशक आपके प्री में उल्लेखित नहीं है लेकिन इससे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में आपका विषय है केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को बेहतर करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकती है। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद से जुड़ा प्रावधान करती है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इंटर स्टेट काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद 263 के अंदर है। और शुरुआत में हम इसे प्री के दौरान पढ़ेंगे और आखिरी के अंदर हम इसके मेंस के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 131 और 263 के बीच क्या संबंध है, अंतरराज्यीय परिषद में कमियां क्या है, उसका महत्व क्या है, गवर्नमेंट को क्या एफर्ट्स करने चाहिए, और नीति आयोग और अंतरराज्यीय परिषद के बीच में क्या अंतर है। ठीक, शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी भूमिका, हमारे संविधान का जो भाग 11 है, आप जानते हैं कि आपके संविधान में 22 भाग हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़ा है। संविधान में केंद्र की जगह संघ शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी भाग 11 यूनियन, और यानी यूनियन का मतलब सेंटर, सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा है। भाग 11 को 2 अध्यायों, 2 चैप्टर में बांटा गया है। पहला जो चैप्टर है वो विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और दूसरा जो चैप्टर है वो है प्रशासनिक संबंध, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। और जो अध्याय 2 है उसका जो आखिरी आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 263, और उसी के अंदर अंतरराज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया गया। यानी भाग 11 के 2 चैप्टर, अध्याय 1, अध्याय 2। अध्याय 2 जो है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंधों के अंदर ही आर्टिकल 263 आता है और जिसमें अंतरराज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान किया है। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि ये अस्थाई है और संवैधानिक निकाय है। अस्थाई क्यों है, क्योंकि इसका गठन निर्धारित समय पर हमेशा नहीं होता। जैसे वित्त आयोग, उसका गठन सामान्यतः 5 वर्ष के बाद किया जाता है, लेकिन जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका गठन निश्चित समय अंतराल पर नहीं होता। वो राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा तय करता है कि कब उसे गठन करना है, यानी राष्ट्रपति को जब मंत्री परिषद कहती है तभी वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। लेकिन ये संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बेशक नॉन परमानेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा, परामर्शदात्री निकाय, एडवाइजरी बॉडी है। हमारे संविधान में जितने भी आयोग होते हैं, जितनी भी परिषदें हैं, सामान्यतः सब सलाहकारी ही होती हैं। इनका काम केवल सलाह देना है, इन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। बाकी जो आयोग होते हैं, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, इनकी सिफारिशें सामान्यतः सरकार स्वीकार करती है, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद तो पूर्णतः सलाहकारी है, इसकी सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाती। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम उस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने बेर एक्ट, जो कि संविधान की किताब है, वहीं से लिया है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, राज्यों के बीच समन्वय, यानी केंद्र राज्य संबंध या फिर राज्यों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, उपबंध का मतलब प्रावधान। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यदि किसी समय
राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना लोकहित की सिद्धि होगी, यानी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने से जनता के लोगों के हित की पूर्ति होगी, तब वो अंतरराज्य परिषद का गठन करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। जब केंद्र की मंत्री परिषद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा कहते हैं तभी राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद की स्थापना करता है। अब इस अंतरराज्य परिषद के कार्य क्या है? तो पहला कार्य राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और सलाह देना। दो राज्य, चार राज्य, दस राज्य, अगर उन राज्यों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया है तो उस विवाद की जांच करना और उस पर अपनी रिकमेंडेशन देना। अब ये बोलेंगे कि विवाद हो जाता है तो वो आर्टिकल 131 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो उसे हम आगे समझेंगे। दूसरा कार्य है कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित के संबंधित विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना। कुछ राज्यों से संबंधित, सेंट्रल स्टेट से संबंधित, दो राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर उनके सामान्य हित से जुड़े कोई मुद्दे हैं, यानी कोई ऐसा मुद्दा है जैसे जीएसटी, जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है, तो इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हित जुड़ा है, जनता का हित भी जुड़ा है, तो ऐसे विषयों पर जांच करना और विचार विमर्श करना। तीसरा कार्य है ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में सिफारिश करना जो कि केंद्र और राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए, उनकी पॉलिसीज के अंदर तालमेल स्थापित करने के लिए जरूरी। अब मान लीजिए कि शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य भी बनाते हैं, अलग अलग राज्य भी बनाते हैं, तो ऐसे किसी विषय पर जहां पर एक ही विषय है जो विभिन्न राज्यों से जुड़ा है, केंद्र और राज्यों से जुड़ा है, तो उनके बीच में कैसे अच्छा तालमेल स्थापित करना है, तो इसके संबंध में अंतरराज्य परिषद सिफारिश करती है। तो अंतरराज्य परिषद को तीन संविधान में कार्य दिए गए। आपसे कई बार ऐसा नहीं पूछा गया जा सकता कि अंतरराज्य परिषद का प्रावधान कहाँ है, आपसे ये पूछा जाता है कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद। आगे देखिए, राष्ट्रपति के लिए यह विधि पूर्ण होगा, राष्ट्रपति के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा, यानी अंतरराज्य परिषद का गठन भी एक आदेश के द्वारा होता है, और वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन भी आदेश के द्वारा ही होता है, बेशक संविधान में लिखा है लेकिन राष्ट्रपति जब वित्त आयोग का गठन करता है तो एक आदेश ही देता है। उसी प्रकार अंतरराज्य परिषद भी एक संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही इस परिषद की स्थापना की जाती है। इस परिषद के कर्तव्यों की प्रकृति, स्वरूप, उसकी संगठन, उसकी प्रक्रिया को परिभाषित किया जाता है। यानी हमारा संविधान आर्टिकल 263 के अंदर केवल ये कहता है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेगा, उसके कर्तव्यों को निर्धारित करेगा, उसकी कार्य करने की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा, उसके संगठन को निर्धारित करेगा कि उसमें कौन लोग होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। अब आप ये कह सकते हैं कि वित्त आयोग और अंतरराज्य परिषद दोनों का उल्लेख संविधान में है, दोनों को राष्ट्रपति आदेश के द्वारा गठित करता है, तो अंतर क्या है? वित्त आयोग में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात या फिर यथासंभव जो उचित लगे वित्त आयोग का गठन करेगा। अंतरराज्य परिषद में ऐसा लिखा नहीं है कि उसका गठन कब किया जाएगा, बस ऊपर लिख दिया यदि किसी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना लोकहित की सिद्धि में होगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा और आसान से समझते हैं। दो पॉइंट याद रखिए, राष्ट्रपति को अगर प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की पूर्ति होगी तब गठित करेगा, और राष्ट्रपति की प्रतीत होने का मतलब केंद्र की सरकार, केंद्र की मंत्री परिषद। और राष्ट्रपति ऐसा कैसे करेगा? आदेश के द्वारा स्थापना करेगा, उसके कर्तव्यों की नेचर को निर्धारित करेगा, उसकी संगठन, उसकी प्रक्रिया को परिनिश्चित करेगा या सुनिश्चित करेगा कि उसमें कौन मेंबर होंगे, किस प्रकार से कार्य करें। देखिए, अब थोड़ा सा अंतरराज्य परिषद से ही जुड़ा हुआ प्रावधान है, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो गया। एक आयोग बना था जस्टिस आर एस सरकारिया, हम उसे सरकारिया कमीशन या सरकारिया आयोग भी कहते हैं। उसका काम था केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित विषयों का मूल्यांकन करना। सरकारी आयोग का काम क्या था?
कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन संबंधों को कैसे बेहतर किया जा सके उसके संबंध में सिफारिश करना। 1983 के अंदर हमने सरकारी आयोग का गठन किया था। जनवरी 1988 के अंदर सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसने अंतरराज्यीय परिषद के बारे में दो सिफारिशें की। पहला, उसने कहा कि आर्टिकल 263 के अंदर जो अंतरराज्यीय परिषद है उसका नाम बदल दो। क्या नाम कर दो? अंतर सरकारी परिषद, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। वर्तमान में क्या नाम है? इंटर स्टेट काउंसिल। लेकिन सरकारी आयोग ने कहा कि इसे इंटर गवर्नमेंट काउंसिल कर दो। और दूसरा, ये जो इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बना हो गया आप 263 में, उसको सामाजिक आर्थिक नियोजन, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, विकास और 263 के खंड ख और ग में निर्धारित कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए। कौन से कर्तव्य? ये ख और ग में जो सौंपे गए कर्तव्य हैं, ये सौंपे जाने चाहिए। किसने कहा? सरकारी आयोग ने। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद का नाम अंतर सरकारी परिषद करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो याद रखिएगा, सरकारी आयोग ने की थी। हालांकि सरकारी आयोग ने एक नया आर्टिकल जोड़ने की सिफारिश भी की थी, 263A, उसको भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाद में सरकार ने सरकारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया, नाम चेंज नहीं किया, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल नहीं किया, नाम वही रखा, इंटर स्टेट काउंसिल। लेकिन सरकारी आयोग ने कहा था कि गठन होना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने एक आदेश के द्वारा 28 मई 1990 को अधिसूचित किया कि एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। तो याद रखिए, पहली चीज कि भारत में अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की पहला गठन कब हुआ? 28 मई 1990 को। किसकी सिफारिश पर हुआ? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। सरकारी आयोग का काम क्या था? केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन करना। इसका गठन कब हुआ? 1983 के अंदर हुआ, 88 में रिपोर्ट आई। अंतर राज्य परिषद को अंतर सरकारी परिषद बदलने की सिफारिश किसने की? सरकारी आयोग ने की। ठीक, चलो आगे बढ़ते। अब सरकारी आयोग के बारे में पढ़ते हैं, यानी बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। यानी जब देखिए, संविधान जब लागू हुआ उस समय केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित कर दिया गया था। 1980 का दौर चल रहा है, 1980s, उस समय सरकार को ऐसा लगा कि परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों ना केंद्र राज्य संबंधों में भी परिवर्तन करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम एक आयोग का गठन करें। फिर एक होम मिनिस्ट्री के अंदर गृह मंत्रालय ने 9 जून 1983 को, ये तारीख याद रखनी आपको, 9 जून 1983 को सरकारी आयोग का गठन किया। और इस आयोग के अंदर दो सदस्य और थे, श्री बी शिवरमन, डॉक्टर एस आर सेन। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 9 जून 1983। किसने किया? गृह मंत्रालय ने, केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए। दो सदस्य कौन थे? श्री बी शिवरमन और डॉक्टर एस आर सेन। जनवरी 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 1600 पेज की रिपोर्ट थी। लेकिन ये याद रखिए, इस रिपोर्ट को 19 अध्यायों में बांटा गया था, 19 चैप्टर्स के अंदर, और कुल 247 सिफारिशें थी। हमें इन 19 अध्यायों या 247 सिफारिशों को नहीं याद रखना, हमें केवल दो सिफारिशें याद रखनी है। पहला, कि सरकारी आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद को स्थायी दर्जा देने की बात कही। स्थायी दर्जा देने का मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर उसका गठन किया जाए, जैसे वित्त आयोग का 5 वर्ष के बाद होता है, उसी प्रकार अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी एक निश्चित समय अंतराल पर होना चाहिए। दूसरा, अंतरराज्यीय परिषद का नाम बदलकर अंतर सरकारी परिषद करना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति ने आदेश दिया 28 मई 1990 को अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की। और याद कीजिए, आर्टिकल 263 में लिखा था कि राष्ट्रपति आदेश में तय करेगा कि अंतरराज्यीय परिषद का संगठन या संरचना कैसी होगी। तो आदेश के अंदर उसने बताया कि प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जीएसटी काउंसिल का हेड वित्त मंत्री, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष जो कि हम आगे पढ़ेंगे, गृह मंत्री। ये तीन अलग अलग चीजें याद रखनी है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जीएसटी काउंसिल जो हम पढ़ चुके हैं उसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, आगे जाकर हम क्षेत्रीय परिषद पढ़ेंगे रीजनल काउंसिल, उसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषद में सभी राज्यों के 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। 3 संघ राज्य शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है,
दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा, तो वहां के मुख्यमंत्री, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है जो पांच बाकी बचे, तो वहां के प्रशासक, ये सब उसके सदस्य होंगे। यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री, और जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक इसके सदस्य होंगे। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? अध्यक्ष। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, सदस्य। इसके साथ साथ इस अंतरराज्य परिषद में प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए 6 मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री तो होता ही है, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। ये सब क्या होंगे? सदस्य। देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जब से गठन हुआ है 28 मई 1990 में, तब से लेकर अब तक अंतरराज्य परिषद की कुल 11 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक कब हुई, ये जरूर याद रखना है, 10 अक्टूबर 1990 को, और परिषद की 11वीं बैठक अभी दोबारा से हुई 16 जुलाई 2016 को। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। पहली बैठक जरूर याद रखनी है, 10 अक्टूबर 1990 को। अब हम समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, कि जब आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाता है, तो अंतरराज्यीय परिषद की जरूरत क्या है? देखिए, पहले से संविधान में अनुच्छेद 143-131 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वो एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी कानूनी विवाद हो तो उस पर अपना निर्णय दे सकता है। तो फिर अंतरराज्यीय परिषद की जरूरत क्या है? क्योंकि हर विवाद को आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, हर विवाद न्यायालय में ही सुलझ जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अंतरराज्य परिषद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अनुपूरक के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? अनुपूरक। अनुपूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जरूरी नहीं है कि हर विवाद को राज्य या केंद्र राज्य सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाएं। अंतरराज्य परिषद सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करता है और आपसी विवादों को प्यार मोहब्बत समझदारी से सुलझाने की वकालत करता है। तो याद रखिएगा कि अंतरराज्य परिषद सर्वोच्च न्यायालय की उस शक्ति का अनुपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पूरा करती है उसको। अब अंतरराज्य परिषद को हमारे संविधान में जोड़ने से फायदा क्या है? पहला, संवैधानिक समर्थन, क्योंकि जो विवाद केंद्र और राज्य और राज्यों के बीच में है उन्हें हम संविधान के माध्यम से, संवैधानिक समर्थन के माध्यम से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आपके संविधान के अंदर अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान है। दूसरा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद को इंग्लिश में कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी एक ऐसा संघवाद जहां पर केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं होते, कॉम्पिटिशन नहीं करते, बल्कि आपस में सहयोग कर आगे बढ़ने की वकालत करते हैं। इसे सहयोगी संघवाद भी कहा जाता है। यानी जहां अंतरराज्यीय परिषद क्या है, केंद्र और राज्य विभिन्न राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, और समन्वय स्थापित होगा तो टकराहट होगी या मिलाप होगा, मिलाप होगा, तो इसका मतलब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। तीसरा फायदा, राज्य और केंद्र राज्य के विवादों का समाधान करते हैं। आप जानते हैं निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत बनाते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहां बैठकर फैसले ले रही है, वो राज्यों के साथ सहयोग करती है, राज्यों के साथ बातचीत करती है, बैठक करती है और उनसे विचार विमर्श कर डिसीजन को लेती है। अगला, सरकारों को अधिक जवाबदेह बनाते हैं, कि अंतरराज्य परिषद के अंदर जो सहमति बनती है उन्हें बैठकों को प्रकाशित किया जाता है कि क्या फैसले लिए गए, इससे गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। और आखिरी, एक सुरक्षा वाल्व के रूप में काम करता है। सुरक्षा वाल्व का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़ा होता है हमेशा, पैसे को लेकर, ताकत को लेकर, लेकिन अंतरराज्यीय परिषद क्या करता है, उसके बीच में आ जाता है, एक प्रकार से उनके विवादों को रोकने का काम करता है, वॉल्व का काम करता है, बफर स्टेट का काम करता है। तो ये अंतरराज्यीय परिषद की प्रासंगिकता, महत्व या उपयोगिता। ठीक, अब हम समझते हैं कि उपयोगिता है, संविधान में है, लेकिन मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है। पहला, इसे केवल वार्ता मंच के रूप में देखा जाता है, यानी केवल राज्यों के लोग आ गए, संघ राज्य क्षेत्रों के लोग आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, मंत्री आ गए, केवल वार्ताएं होती हैं, कोई परिणाम सामने नहीं आ पाता, कोई आउटपुट सामने नहीं आ पाता। केंद्र की सरकार, जिस राजनीतिक दल की केंद्र में सरकार है और जिन राज्यों की वही सरकार है जो कि केंद्र में है उसी राजनीतिक दल की, तो वहां अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर केवल बस
खाना पूर्ति की जाती है। दूसरा, इनकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है। अब बैठ लो, बातें कर लो, अच्छी अच्छी बातें कर ली जाए, लेकिन बाहर मीडिया में आए, एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू, तो सिफारिशें बाध्यकार नहीं है। बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। हाल ही में 10 वर्षों के बाद बैठक हो पाई है, 2006 में बैठक हुई थी और उसके बाद अब 2016 में बैठक हुई है, तो कोई निश्चित समय अंतराल नहीं है, बैठकें नहीं है, तो ये इसकी समस्याएं हैं, ये इसके मुद्दे हैं। अब अंतरराज्य परिषद को सशक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका पूरा का पूरा प्री और मेंस तैयार हो रहा है कि प्री के फैक्ट भी, समस्याएं क्या है, भूमिका क्या है, महत्व क्या है और क्या करना अभी बाकी। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, ये तीनों समितियां केंद्र राज्य संबंधों पर ही गठित की गई थी। इन तीनों ने एक ही बात की सिफारिश की, भाई परिषद इंटर स्टेट काउंसिल को स्थायी दर्जा मिले, परमानेंट दर्जा मिले, एक निर्धारित समय पर इसका गठन हो। यह नहीं कि सरकार अपनी इच्छा से जब चाहे गठन कर रही है, इसे एक स्थायी दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि अंतरराज्य परिषद की कम से कम साल में 3 बैठकें जरूर हों, कम से कम, यह नहीं कि 10 साल के बाद हो रही है। तीसरा, इस अंतरराज्य परिषद के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, लॉ के लोग, प्रबंधन के लोग, पॉलिटिकल साइंस के लोग, यानी स्पेशलाइज्ड लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। आगे सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की कि आयोग की, परिषद की जो शक्तियां निर्धारित होनी चाहिए, जिसमें आर्टिकल 263A जोड़ने की सिफारिश की, उसको नहीं जोड़ा। सरकारी आयोग ने 3 सिफारिशें की थी, पहला स्थायी दर्जा देने की, दूसरा अंतर सरकारी परिषद बोलने की, तीसरा 263A जोड़ने की, ताकि इसकी शक्तियां परिभाषित हो, लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना। अगर इसकी शक्तियां परिभाषित होंगी, स्थायी होंगी, नियमित अंतराल पर बैठकें होंगी, तो यह बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, दबाव समूह होते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको भी अंतर सरकारी परिषद के अंदर भागीदारी देनी चाहिए। देखिए, पुंछी, जो भी अंतरराज्य परिषद के संबंधित रिपोर्ट आती है, उनकी सिफारिशों को जब हम अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड करते हैं, तो आपका आंसर काफी दमदार हो जाता है। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन वो लोग स्पेशलाइज होते हैं जिन्होंने इस प्रकार की सिफारिशें की होती है। ठीक, अगला सवाल, आखिरी सवाल नीति अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में, कि नीति आयोग और अंतरराज्य परिषद में अंतर क्या है, या फिर जब अंतरराज्य परिषद है तो नीति आयोग की जरूरत क्या है, नीति आयोग है तो अंतरराज्य परिषद की जरूरत क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब नीति आयोग में भी होते हैं, ये सब अंतरराज्य परिषद में भी होते हैं, तो दोनों की संरचना एक जैसी है, तो अंतर क्या है? नीति आयोग गैर संवैधानिक है, कार्यकारी निकाय है, लेकिन अंतरराज्य परिषद को संवैधानिक समर्थन मिला है। अगर हम अंतरराज्य परिषद को मजबूत करें तो हमें नीति आयोग की उतनी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, नीति आयोग के पास केवल एक कार्यकारी शासनादेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक आदेश के द्वारा नीति आयोग का गठन किया, लेकिन अंतरराज्य परिषद केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए, विभिन्न राज्यों के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। तो यह है नीति आयोग और अंतरराज्य परिषद में अंतर, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या टकराहट है। ठीक, तो यह था हमारा नीति अंतरराज्य परिषद प्री और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से। और आखिरी के अंदर मैं आपसे, आपका सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरूं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।